एक डमी अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट्स जिस कंपनी के कोई भी होंगे वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं, यहाँ पे उनके नेम्स मेंशन किए जा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में आप इसी अकाउंट को देखते हुए, और इसकी ये टाइप है अकाउंट की और आगे बैलेंसेज आ रहे हैं, इट कुड बी एनी अमाउंट जो कि एज पर बिजनेस अकाउंट बैलेंस होगी, बैंक अकाउंट बैलेंस के मुताबिक जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंस चल रहा होगा बैंक स्टेटमेंट से आप अमाउंट चेक कर सकते हैं कि एज ऑफ एक क्लोजिंग डेट आपको सेट करनी होगी। जब भी आपने किसी भी कंपनी फाइल के लिए किसी कोई सेटिंग डेट रखनी है तो आपने कट ऑफ डेट ज़रूर डिसाइड करनी है। कट ऑफ डेट से मुराद ऐसी डेट कि जब आप पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको कट ऑफ डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। कट ऑफ डेट पे ही, उसी कट ऑफ डेट पे आपने तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस पिक करने हैं, और तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस पिक करने के साथ साथ आपको और कुछ चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी। और वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बैंक अकाउंट्स बैलेंसेस उठाने होंगे। अब सपोजिटली मैं अगर कट ऑफ डेट सेट करता हूँ, कट ऑफ डेट 29th of May 2018, सपोज मैं अगर ये सेट करता हूँ तो मेरे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इसी डेट पे मैंने उनके बैलेंसेस यहाँ मेंशन करने हैं। सपोज मैं अगर एग्जांपल देने के लिए, अलाइड बैंक है, उसका आज 29 मई 2018 को मेरे पास 5 लाख रुपए बैंक में मौजूद हैं, तो मैंने यहाँ 5 लाख लिख दिया। और उसके बाद MCB बैंक है, उसमें अगर 2 लाख पड़े मैंने 2 लाख लिख दिया, ठीक है। इसी तरह जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस लिख देना। और इसी तरह कैश इन हैंड में जो मेरे पास पेटी कैश पड़ा होगा वो मैंने सपोज 15,000 कैश है वो लिख दिया, सॉरी 1,50,000। और इसके साथ मुझे कौन से कट ऑफ डेट में चीज़ें बैलेंसेस चाहिए, कस्टमर्स बैलेंसेस चाहिए एज ऑफ कट ऑफ डेट, मुझे वेंडर्स बैलेंसेस चाहिए एज ऑफ कट ऑफ डेट, इसके साथ साथ मुझे स्टॉक बैलेंसेस चाहिए एज ऑफ कट ऑफ डेट। और स्टॉक बैलेंसेस में मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी, ना सिर्फ बैलेंसेस अलॉन्ग विद क्वांटिटी। ये चार इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं जो किसी भी बिजनेस, जो ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल में काम कर रहा है उसे ये चारों चाहिए होती हैं, और वो रनिंग बिजनेस होगा, ठीक है, रनिंग बिजनेस में ये चारों, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ बिजनेस के अदर बैलेंसेस भी चल रहे होते हैं कि अगर किसी बिजनेस ने लोन लिया है तो 29 मई को उसका लोन क्या था अमाउंट, अगर लोन लिया हुआ है तो लोन टेकन फ्रॉम एंटिटी एनी अदर पर्सन एनी एंटिटी, और लोन गिवन भी हो सकता है टू एनी एंटिटी, इनके बैलेंसेस आपने ले लेने, ठीक है। और इनके बैलेंसेस आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है, तो अभी मैं आपको एक बैंक अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ, आपने वो बैंक अकाउंट, आपको अकाउंट क्रिएट करने का तरीका आ जाएगा, तो आप सारा ये चार्ट ऑफ अकाउंट यूटिलाइज करके अपने अकाउंट्स जो GL मॉड्यूल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जिस पे सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बेस कर रहा होता है, आप पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये आपने मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी कट ऑफ डेट की, ठीक है। सबसे पहले अब मैं आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट है एक दफ़ा आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑर्डर है, सबसे पहले एसेट्स आते हैं जिसमें बैंक हैं, अकाउंट रिसीवेबल की टाइप्स हैं, अदर करंट एसेट है, फिक्स एसेट्स, फिर उसके बाद आपके अकाउंट्स पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी और इक्विटी, ये सारे बैलेंस शीट की आइटम्स पहले आती हैं, जिसमें एसेट्स फर्स्ट नंबर पे आते हैं, फिर उसके बाद लायबिलिटीज आती हैं, फिर कैपिटल की बारी आती है, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स आती हैं जिसमें इनकम पहले आती है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ताकि GP का पता चल सके, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और एंड पे सारा आपके बैलेंस शीट आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को पता होगा कि 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इसी तरह क्विकबुक्स में भी टाइप्स ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो उसकी टाइप पहले डिफाइन करनी है। तो ये टाइप भी अवेलेबल है, बैंक अकाउंट नेम भी अवेलेबल है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन आप अकाउंट की चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है फॉर योर कन्वीनियंस। अभी मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ,